अस्सलामु अलैकुम। समंदरी तूफान, बाइबर जुआई के असरात, कराची में मिट्टी का तूफान, गर्द आलू, तेज हवाएं और बूंदाबांदी शुरू। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची में तूफानी और गर्द आलूद हवाओं का राज, बास मकामात पर मिट्टी का तूफान भी आया। सदर, ओल्ड सिटी एरिया और आई चंडीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। आज शाम से 100 और देही सिंध में 300 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि 14 जून की सुबह तक तूफान का ट्रैक शुमाल की जानिब रहेगा। 15 जून को रुख तब्दील करने के बाद सेपेर के वक्त देही सिंध के केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात को क्रॉस करेगा। कराची के साहिली इलाकों में समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो गया है। साहिली इलाकों से हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। तूफान 15 जून की दोपहर तकरीबन 3 बजे केटी बंदर के इलाकों से टकराएगा, जिससे कराची में आंधी और तेज हवाओं का खदशा है। शहरी एहतियात करें।